किरण संहिता का आज हम चतुर्थ पाद करेंगे और चतुर्थ प्रकरण जिसमें प्रत्याहार का वर्णन है। किरण संहिता महर्षि किरण के द्वारा लिखा गया है, जो कि राजचंड कपाली को ज्ञान दे रहे हैं। और कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? सप्तांग योग का दे रहे हैं, जो कि तत्व ज्ञान का कारण बनेगा। तत्व ज्ञान मतलब मूल ज्ञान जिससे हो जाएगा, इसकी प्रैक्टिस करने से कहते हैं आपको जो वास्तविकता है, कहते हैं उस चीज का पता लग जाएगा। अब वो वास्तविकता क्या है वो इसके करने के बाद में लगेगा पता, है ना। तो इसीलिए इसका इस प्रैक्टिस का ज्ञान दे रहे हैं सप्तांग योग, या जिसको हम बोलते हैं घटस्थ योग। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद में घटस्थ योग के कितने अंक थे? 7 अंक थे। घट शब्द का जहां पर शरीर अर्थ था, और उसी में एक थोड़ा सा सूची के रूप में हमसे प्रश्न बन सकता था, वो बात आई थी। कहते सबसे बड़ा पाप क्या बताया था? माया। माया सबसे बड़ा पाप था। सबसे बड़ा बंधु मित्र जो बताया था वो किसको बताया था? ज्ञान को। कहते ज्ञान बंधु है। और बल सबसे श्रेष्ठ बताया था, वो था योग। बल है योगात परम बलम। और शत्रु बताया था रिपु, जिसको बोला गया था संस्कृत में रिपु बोला गया है, तो कंफ्यूज ना हुए। रिपु भी वर्ड याद रहे, और रिपु का अर्थ शत्रु होता है वो भी याद रहे। वो किसको बोला था? अहंकार को बोला अहंकार को बोला गया था। ठीक है, ये चीजें थी। उसके बाद में सप्तांग योग था। षटक्रम हमने देख लिया, षटक्रम से शुद्धि बताई गई है। आसन से दृढ़ता बताई थी, मुद्रा से स्थिरता बताई थी। मुद्रा कितनी थी? 25 मुद्रा थी, जिनके अंतर्गत हमने 5 धारणा भी पढ़ी है, 4 बंध भी पढ़े हैं, और कुल 25 मुद्रा है। ये एक शब्द में आपके दिमाग में रहना चाहिए। मुद्रा, स्थिरता, आसन से दृढ़ता। आसन कितने बताए थे यहाँ पर? 32 आसन बताए थे, है ना। 32 कैसे बताए थे? कहते भगवान श्री आदिनाथ माने भगवान शिव ने, कहते जितनी योनियां हैं उतने ही जो है आसन बताए, माने 84 लाख योनियां है तो 84 लाख आसन है, परंतु कहते उनमें से जो मुख्य है ना शुभकारी, कहते वो केवल 84 ही श्रेष्ठ है। उन 84 में से भी कहते मैं घेरण संहिता में राजा चंड कपाली को महर्षि किरण जो बता रहे हैं, कहते वो है केवल मृत्यु लोक से पार पाने के लिए 32 आसन इनफ है। सेम हठ प्रदीपिका थी, वो कह रहे थे कहते 15 आसन करने हैं। पैसे 15 याद रखें, बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि 16 है या 14 है या 15 है ना, तो पैसे कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। हठ प्रदीपिका पैसे 15, ये दिमाग में बिल्कुल सटीक बैठेगा आपको। ओके सर, तो आगे बात करें हम शोधनम। शोधन की बात हठ प्रदीपिका में एक बात कही गई थी, कहते षटक्रम किसको करना है किसको नहीं करना, ये बात कही गई थी। वो लाइन याद होना चाहिए, कहते दोष जिनके सम है, जिनके दोष सम है माने समदोष। समदोष की कंडीशन कब होती है? स्वस्थ की कंडीशन होती है। कहते उनको अनिवार्य नहीं है षटक्रम करना, अनिवार्य नहीं है, फिर भी सीखने के लिए करना चाहे कोई विद्यार्थी आप में से तो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। परंतु करना किसके लिए जरूरी है? कहता मेद है श्लेष्मो अधिको, मेद जिसका ज्यादा बड़ा, मेद मतलब एक धातु होती है जो मोटापे का प्रतीक है, जिसको आज की मॉडर्न टर्म में समझने के लिए फैट यूज कर देते हैं, है ना, उसको समझाने के लिए। मेद एक धातु है, 7 धातुओं में से एक धातु है मेद। और श्लेष्मादि को, श्लेष्मा बोलते हैं कफ को, जो आपके लार के रूप में निकलता है, जब हम खांसी आदि करते तब निकलता है, नासिका से जो निकलता है चिकनाई युक्त द्रव्य, उसको श्लेष्मा बोला गया। माने मेद या श्लेष्मा को आप समझने के अर्थों में कफ से भी डिनोट करते हैं, त्रिदोषों में से एक कफ को डिनोट करते हैं हम श्लेष्मा को। ठीक है, तो इन दो को, जिनका मेद बड़ा है या श्लेष्मा बड़ा है, उन दो व्यक्तियों को, ऐसे रोगियों को तो करना है षटक्रम, और जिनके दोष सम है उनके लिए आवश्यक नहीं है। तो ये ए एंड आर में भी बन सकती है ये बात, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी वे में आपसे पूछी जा सकती है बात। एग्जामिनर अपनी भाषा को खुद तैयार करता है, उसकी भाषा को जो है आपको पहले से जो है उत्तर तैयार रखना है अपना, और भाषा कैसी है उसको समझना है एग्जामिनर जब भाषा यूज करता है तो। ठीक है, तो आज हम मुद्रा कर चुके हैं, 25 मुद्राएं कंप्लीट कर चुके थे कल। धैर्य हमें जानना है, जो किससे प्राप्त होता है? प्रत्याहार से। ओवरऑल इफेक्ट जो बताया प्रत्याहार का, धैर्य बताया, धीरता। ठीक है, अब प्रत्याहार आता है चतुर्थ नंबर पर। आपसे पूछा गया सिंपल सा प्रश्न, बताइए किरण संहिता के अनुसार चतुर्थ अंग कौन सा है सप्तांग योग का? तो आपको 4-5 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें आप चांटना होगा, तो प्रत्याहार है। तो उसके लिए क्या है, सिंपल सी ट्रिक का आपको मैंने बता रखी है कि ये श्लोक पूरा याद कर लीजिए, ये 9, 10, 11, और 4-5 बार पढ़ेंगे तभी याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पट्टा लगा रहे सर याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, क्या करें, याद रहे होने के कारण एकमात्र यही है कि आपने बहुत ज्यादा बार रिपीट नहीं किया। किसी को हो सकता है कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कविता मिश्रा मैम है ना, जिन्होंने ओंकार आदि का जप किया है, गायत्री महामंत्र आदि का जप करते हैं जो प्रतिदिन विद्यार्थीगण, तो उनके शार्प होगी बुद्धि, एक बार देखेंगे देखते ही इमेज छप जाएगी दिमाग में, याद हो जाएगा। किसी किसी का हो सकता है संस्कार है ना, याद करने वाले अच्छे नहीं है, याद करने वाले रिटेंशन वाले, तो उनको थोड़ा टाइम लग सकता है, तो बट रिपीटिशन हल है इस चीज का, एकमात्र रिपीटिशन। आप बार बार यही बात पूछेंगे फोन करके सर कि याद नहीं हो रहा, पढ़ते तो है सर याद नहीं हो रहा,
तो उसका एक ही मात्र कारण है कि रिपीट नहीं हुआ। जितना आपके लिए व्यक्तिगत तरीके से आवश्यक है उतनी बार रिपीट नहीं हुआ। किसी एक व्यक्ति के लिए हो सकता है 2 बार रिपीट किया याद हो गया हमेशा के लिए, किसी के लिए हो सकता है 10 बार, किसी के लिए हो सकता है 15 बार, पर रिपीटेशन ही एक तरीका है जिससे आपको याद हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो रिपीट करना है जब तक याद ना हो जाए तब तक। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपके लगभग मान के चलिए 50-60 प्रश्न यहां से बनते हैं इस क्विज से। आज तक के इतिहास में देखा जाए तो ये इतने से श्लोक हैं, इनमें से मान के चलिए 20 से 25 क्वेश्चन तो बन ही चुके हैं। 20 क्वेश्चन ऐसे लिस्ट बना दिए एग्जामिनर ने ऑलरेडी, और बाकी 30-40 क्वेश्चन और बना देगा वो लैंग्वेज प्रयोग करके डिफरेंट डिफरेंट, इतने मात्र श्लोक से है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो आपको लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको, सूची के रूप में, A&R के रूप में, या जो है डायरेक्टली आपसे पूछ लेगा 5वां नंबर 4था नंबर क्या क्या है, इस तरीके से पूछ सकता है। खैर, प्रत्याहार शुरू करते हैं। तो प्रत्याहार दो शब्दों से मिलकर के बनता है, प्रति प्लस आहार है ना। आहार जो है ये आहार ना होकर के आहरण है। ठीक है, आहरण का मतलब जैसे अपहरण होता है, खींच करके लाना किसी चीज को, तो प्रति आहरण मतलब प्रति मतलब किसी के प्रति, जहां जैसे प्रति कुलपति सेवा में प्रति कुलपति लिखते होते हैं एप्लीकेशन, तो किसी के प्रति है ना, आहरण मतलब खींच के लाना, कहते उसके प्रति वापिस लेकर के आना चीज को। माने एक तरह से ये कहें, सामान्य अर्थ आप जानते हैं प्रत्याहार क्या होता है, कहते इंद्रियां जो है हमारी 5 हैं। इंद्रियां, इंद्रियां मैंने एक बार पहले भी क्लियर किया था, इंद्रियां क्या है, शक्ति है, शक्ति होती है, ये अंग नहीं होते, शक्तियां होती है। और शक्तियां किस रूप में होती है, या तो कर्म करने की शक्ति है या ज्ञान अर्जित करने की शक्ति है। अगर कर्म करने की शक्ति है तो उनको हम कर्म इंद्रिय बोलते हैं, कर्म इंद्रिय कर्म इंद्रिय। और ज्ञान अगर अर्जित करते हैं तो उसे हम ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं, ज्ञान इंद्रिय का नाम देते हैं। ज्ञान इंद्रियां भी 5 हैं, कर्म इंद्रियां भी 5 हैं। कर्म इंद्रियां 5 मैंने पहले एक दिन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था सारी चीजों को। इन शॉर्ट, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ और वाक। इनकी सीक्वेंस नहीं है कि आप सीक्वेंस में आप करेंगे सर पहले पायु रहेगा या पानी रहेगा वगैरह वगैरह, और एज इट इज ऐसे ही बताया हुआ है, ये है ना वाक, ये है। तो इस तरीके से 5 है और ज्ञान इंद्रिया भी 5 है। इनकी भी सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जामिनर कभी सीक्वेंस नहीं पूछेगा, बनती भी नहीं है सीक्वेंस, बट जब तत्वों के साथ मिल जाती है तब सीक्वेंस थोड़ी सी निकल के आ जाती है। तो ज्ञान इंद्रिया क्या क्या है सर, हम कर्ण से शुरू करें, कान, फिर अगर त्वचा की बात करें, आपको याद रखने का तरीका क्या है ज्ञान इंद्रिया, आप अपने कान पर उंगली रखिए, केदार जाधव सर, एक उंगली अपने कान पर रखिए, और कान से जैसे जैसे आगे चलते, कान कान से आगे आए तो आपके जो कलम होती है ना, जहां पर बाल लट निकलती होती है, तो वहां तक आए उंगली को लेकर के, वहां पर त्वचा मिली आपको, त्वचा होगी। ठीक है, आगे आए तो आंख के पास उंगली आ गई अब अपनी है ना, नेत्र के पास, नेत्र के पास है, नेत्र से थोड़ा सा नीचे उंगली लेकर के जाएंगे तो नासिका आ जाएगी आपके ना, नाक जिसको आप ग्रहण कहते हैं, नाक से नीचे आएंगे तो आपके होठों पर उंगली जाएगी, होठों के अंदर क्या है, जीभ, तो जीवा। ये 5ों जो ज्ञान इंद्रियां हैं आपके एक ही बार में याद हो जाएंगी, कान से लेकर के अपने जो है कान से शुरू करें उंगली को घिसना, कान, फिर त्वचा बीच में आ गई, आंख आई है ना, आंख से फिर आगे नाक आया, और नाक से फिर नीचे जो है लिप्स आ जाएंगे आपकी, मतलब होठ, यानी एक तरह से जीवा। ये 5 ज्ञान इंद्रियां होगी। अब ये ज्ञान इंद्रियां जो है, 5 ज्ञान इंद्रियां क्या क्या बताई, एक श्रोतस बोले तो कान को श्रोतस बोलते हैं, संस्कृत में लिख रहा हूं अब मैं, ठीक है, त्वचा को त्वक बोलते हैं, आंख को नेत्र बोलते होते हैं या चक्षु बोलते हैं, ठीक है, चक्षु, उसके बाद में नासिका होती है, नासिका को आप क्या बोलते हैं, नाक या घ्राण बोलते हैं। अब एग्जामिनर आपसे आपको चेक करने के लिए, और ये प्रश्न है ना, ये जो ज्ञान इंद्रिया कर्म इंद्रिया, ये जो टॉपिक है इस तरीके का, ये आपका पेपर 1 में भी सहायक है, प्रमाण आदि ये जो विषय होंगे, फिलोसॉफिकल जो चीजें हैं सारी की सारी, वो आपके पेपर 1 में भी सहायक है ना, वहां भी ऐसे क्वेश्चन बन जाते होते हैं। तो दोनों का एक कॉमन टॉपिक है ये ग्रहण, उसके बाद में क्या रह गया आपका, जिह्वा सर, ठीक है, ये आपके टॉपिक 5 ज्ञान इंद्रियां होगी सर। ये ज्ञान इंद्रियां जो है आपकी, इनके अपने अपने विषय हैं, अपनी अपनी चीजें पाना चाहते हैं। श्रोतस क्या चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, किसको, शब्द को सर, अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ सर कान का विषय है, वो सारा का सारा ना, कान का, कान काम करेगा उस पर। तो बच्चा क्या करेगी, स्पर्श का, अच्छा स्पर्श हो चाहे बुरा स्पर्श हो है ना, आपको अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सारे स्पर्श त्वचा के विषय है। चक्षु के लिए क्या है, रूप, चाहे गंदा हो दिखने में, बद्दा हो, चाहे बहुत ज्यादा सुसज्जित हो, सुंदर हो, सारे रूप, हर तरीके के रूप का ग्रहण कौन करेगा, चक्षु करेगा। नेत्र, नेत्र से रूप का पता लगेगा आपको कि कोई चीज अच्छी है या बुरी है दिखने में, उस तरीके से। घ्राण, नासिका, गंध, गंध बोले तो चाहे वो अच्छी अच्छी हो, पूजा घर की सामग्री से आ रही हो,
चाहे वो कहीं जो पानी काफी दिनों से पड़ा हुआ है, रखा हुआ है, उस पानी में से स्मेल उठ रही हो, दुर्गंध आ रही हो, हर तरीके की गंध जो है नासिका से ही ग्रहण होगी। जीवा की बात करें तो जीवा रस, जितने भी रस बताए जाते हैं, छह रस की कल्पना करते हो, आयुर्वेद में षड रस ना मधुर अमलादि, तो छह के छह रसों को ग्रहण करने वाला कौन है? जीवा ही है। तो माने ये जो क्या कहलाते हैं, इंद्रियों के विषय कहलाते हैं, विषय, इन्हीं को हम तन्मात्रा कहते हैं। जब ये पंच महाभूतों के साथ में आ जाती हैं तो इन्हीं को पंच मात्रा कहते हैं, पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा। तो आपसे पेपर वन में तो है ना, छोटे छोटे ऐसे बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, बताओ तो इनमें से तन्मात्रा कौन सी है, इनमें विषय कौन सा है, इनमें इंद्रिय कौन से, शक्ति ज्ञान इंद्रिय कौन से, कर्म इंद्रिय कौन, ऐसे बेसिक से प्रश्न बनाता है, क्योंकि पेपर वन में ये जो है आप लोगों के लिए इजी चीजें हैं, योग के विद्यार्थी हैं, फिलोसफी के आप विद्यार्थी हैं, आपके लिए बहुत इजी है ये चीजें, ये बाकी जो अदर सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए बहुत टिपिकल चीजें होती है, तो एग्जामिनर इनको पेपर वन में अक्सर यूज करता होता है प्रश्नों को, आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल रहेगा। खैर, तो अब मैं क्या बता रहा था, कहते ये इंद्रियां आदि जो क्या है, इनके विषय है शब्द, कान चाहेगा हर बार शब्द सुनना अच्छे से अच्छा, त्वचा चाहेगी हर बार स्पर्श करना किसी भी चीज को, जो उसको अनुकूल लगा उसको स्पर्श करना, जो अनुकूल नहीं लगा उससे बचने की कोशिश करेगी, चक्षु भी रूप को देखना चाहेगा, मूवीज वगैरह के माध्यम से या आप टूरिज्म के माध्यम से कहीं भी किसी न किसी तरीके से देखने की इच्छा होगी, ग्रहण सूंघना चाहेगा अच्छी से अच्छी खुशबू चाहेगा, जिह्वा रस चाहेगा। अब ये कहाँ से मिलेंगे, ये कहते ये इंद्रियों के सबके मुंह जो है कहते परमात्मा ने बाहर की तरफ बना रखे हैं, है ना, कान का मुंह कहाँ खुलता है, सर बाहर खुलता है, नाक सर बाहर की तरफ मुंह है, आंख सर बाहर, अखियां देखकर सकल जगत ना खुद को देख ना पाए, है ना, आंख बाहर दिखेगी सर, सारे की सारी इंद्रियां बाहर दिखेगी, और स्वभाव भी इनका यही है कि बाहर की तरफ देखना, तो इस कारण से ये इंद्रियां ज्ञान अर्जित करती हैं, तो ज्ञान ये पूरे बाहर सारी चीजों का प्राप्त कर लेती है, परंतु अंदर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाती, अंदर क्या चल रहा है उसका पता नहीं है, अंदर हमारे इतना मल भरा पड़ा है कभी दुर्गंध नहीं ले पाते हम, है ना, बड़ी आंत मल से भरी हुई है कभी दुर्गंध नहीं आती सर, है ना, परंतु बाहर जो है सर उसमें से आ जाएगी, खुद की त्वचा से इतनी बदबू आती है 30-40 की उम्र में या उसके बाद में, है ना, उसकी गंध नहीं आएगी, परंतु बाहर किसी और से आ रही है उसकी गंध पता लग जाएगी, है ना, खुद का रूप कैसे पता नहीं लगता परंतु वो दूसरे का पता लग जाता है, माने बाहर की तरफ चलती है ना, ये इसकी एक नेगेटिव चीज आई, कहते इसीलिए इसको जो है खुद का ज्ञान करना है तो इन ज्ञान इंद्रियों को इस तरीके से यूज करो कि ये खुद के बारे में जानने लग जाए, और वही क्या है प्रत्यार, माने इन शॉर्ट आप एक शब्द सुनते हैं, इंद्रियों इंद्रियों का निग्रह है ना, निग्रह मतलब एक तरह से नियंत्रण कर लेना, उनको बाहर मत जाने देना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, वही क्या है प्रत्यार है, इन शॉर्ट ये बात हम यूज करते होते हैं। आवाज ब्रेक हो रही है ज्यादा, डॉक्टर सुमन कांता मैम, आदरणीय सुशीला जी, ज्योति बलारा मैम, कविता मिश्रा जी, आवाज सही है? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है ओके, थैंक यू। सर, पूनम मैम बिल्कुल प्लीज आप सही। एक बार अपने नेटवर्क चेक करिए, शायद आपकी तरफ से दिक्कत हो ना, एक बार आप प्लीज चेक करिए ना। ओके, तो हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि इन शॉर्ट अगर एक शब्द में कहें तो प्रत्यार के लिए हम ये जानते हैं इंद्रियों का निग्रह करना, माने इंद्रियां भाग रही है बाहर की तरफ, बाहर जा रही है, हर चीज बाहर से ज्ञान प्राप्त कर रही है, उनको हम किसी तरीके से इस तरीके से यूज करें कि वो अंदर का अपना सेल्फ का ज्ञान प्राप्त करने लग जाए, ठीक है सर, ये बात होगी, यही प्रत्यार अपना है। अब यहां पर गेरेंट संहिता किस तरीके से एक्सप्लेन करती है उस चीज को अपने को जानना है, इन शॉर्ट तो आप जान ही गए कि सर इंद्रियों का विषय है प्रत्याहार जो है, इंद्रियों को नियंत्रित करना है कि बाहर न जाए अंदर का ज्ञान प्राप्त करे, वो इस तरीके से मोड़ना उनको कि बाह्य मुखी है इंद्रियां, बाह्य मुखी माने बाहर से सब कुछ खा पी रही है, शब्द रूप रस स्पर्श आदि बाहर से खा रही है, इनको हम इस तरीके से यूज करें कि ये अंतर्मुखी हो जाए, अंदर वाली चीजों का ग्रहण करे, अंदर चीजों का पता लगने लग जाए हमें, इस तरीके से, ठीक है सर। तो अब गेरण संहिता क्या एक्सप्लेनेशन देती है उसकी बात हम करते हैं। अब महर्षि गेरण कह रहे हैं, अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारकम उत्तमम, कहते हे राजा चंड कपाली, अब मैं अथातः संप्रवक्ष्यामि, अब तुम्हें मैं बताने जा रहा हूं प्रत्याहारकम उत्तमम, कहते उत्तम प्रत्याहार का वर्णन करने जा रहा हूं, जो कि सबसे उत्तम है, प्रत्याहार का वर्णन करने जा रहा हूं क्योंकि इससे स्वयं का ज्ञान होगा, यस्य विज्ञान मात्रेण, जिसके विशेष ज्ञान मात्र से काम आदि रिपु नाशनम, काम आदि शत्रुओं का नाश होगा, रिपु माने शत्रु, आदि शत्रुओं का नाश होगा। और अभी मैं यहाँ पर एक बात और ऐड कर देता हूँ, जो स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी की पुस्तक है किरण संहिता, जिनकी व्याख्या उन्होंने की है, निरंजनानंद जी ने, रेड कलर की पुस्तक है ना, बिहार योग मुंगेर से प्रकाशित, उसमें थोड़ा सा जो ये कॉन्सेप्ट है हल्का सा गड़बड़ाया हुआ है ना, ऊपर नीचे हुआ है, तो इसका थोड़ा सा सही कर लेंगे, अगर आप बुक पढ़ने वाले हैं तो आप उसको देख लेंगे थोड़ा सा, मधुरंजन जी, कि प्रत्याहार जो है
यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि तब प्रत्याहार के ज्ञान होने से, विशेष ज्ञान से क्या होगा, काम आदि रिपुओं का नाश हो जाएगा। माने काम आदि रिपु, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। मद माने अहंकार, मेरापन, है ना, और मात्सर्य का मतलब ईर्ष्या, है ना, द्वेष, की दूसरे के पास है इस चीज को लेकर के जलना, अपने पास वो ना हो दूसरे के पास ना हो, इस तरीके की भावना ईर्ष्या। ठीक है, तो ये छह शत्रु है कहते हैं, ये सभी में पाए जाते हैं। जब आप प्रत्याहार का पालन करते हैं, यानी प्रत्याहार का जब आपको ज्ञान हो जाता है, कहते हैं इंद्रियां जो होती है बाहर की तरफ जाएंगी नहीं, तो सर काम कामनाएं खत्म हो जाएगी, किसी पर क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं होगा अन्य चीजों को पाने का, क्योंकि इंद्रिया अंतर्मुखी हो चुकी है सारी की सारी, मोह नहीं होगा अटैचमेंट टाइप में, मद अहंकार नहीं होगा कि मेरे पास सबसे ज्यादा अधिक है, और ईर्ष्या कि दूसरे के पास ज्यादा है, इस तरीके से कोई भावना नहीं आएगी। तो काम आदि रिपुओं का नाश होगा, एक तो ये बात बन गई। प्रत्याहार का अब फल पूछा एग्जामिनर ने, कहते बताइए गिरण संहिता के अनुसार प्रत्याहार से क्या होता है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि इंद्रिया अंतर्मुखी हो जाएगी, तो क्या होती है सर, प्रत्याहार से गिरण संहिता के अनुसार काम आदि रिपुओं का नाश हो जाता है, शत्रुओं का नाश हो जाता है। और वो कितने हैं काम आदि रिपु, काम आदि रिपु बोले तो शत्रु, काम आदि शत्रु कितने हैं, छह होते हैं, एक साथ हम छह यूज करते होते हैं, तो इनको ही षट शत्रु कहा गया। माने षट शत्रुओं के नाश हेतु गिरण संहिता में क्या उपाय बताया गया है, तो एकमात्र प्रत्याहार। इन शोर्ट याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, षट शत्रुओं में क्या क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, एक ही। अब कहते करना क्या है, कहते प्रत्याहार से शत्रु नाश तो हो जाएंगे षट शत्रु, अब करें कैसे, कहते प्रत्याहार को, कहते करने की विधि आप जानिए, अभी प्रत्याहार कैसे करना है, कहते प्रत्याहार करने हेतु यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम स्थिरम, कहते जहां जहां पर आपका मन, जो चंचल मन है, वो निश्चरण करता है, चरण करता है, चलता है, जाता है, मन कहाँ कहाँ पर जाता है, अच्छी अच्छी चीजों की कल्पना करता है ना, कि मुझे वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इस तरीके से कहते ततः ततो नियम एतद आत्मन्ये वशमेव, कहते वहां वहां से काम का अर्थ जो है कामनाएं, इच्छाएं, है ना, जो भी आपकी फीलिंग्स होती है पाने की, उन सभी कामनाओं का मतलब है यहाँ पर। ठीक है, रूढ़ अर्थ में इसका लेते हैं हम वासना से, ना, वासना, और वासना रूढ़ हो गई है इसलिए हम केवल उसको शारीरिक रूप से समझते हैं, शारीरिक रूप से, परंतु शरीर मात्र को पाना वासना नहीं होता, हर चीज जो आप पाना चाहते हैं, जैसे आपके किसी के अंदर वासना हो सकती है कि मुझे अच्छे से अच्छा संगीत सुनना है, वासना है सर, वो शरीर तक सीमित नहीं है, रूढ़ अर्थों में हम जानते हैं क्योंकि हम सुनते हैं सर वासना मतलब काम वासना, शारीरिक रूप से ऐसा समझते हैं, परंतु काम का अर्थ केवल इतना नहीं होता, शरीर से हर इंद्रिय की जो तृप्ति की इच्छा है ना, अपने आप को तृप्त करने की इच्छा, वो सारी काम ही होती है, जैसे कान का शब्द सुनने की इच्छा, आंख का देखने की इच्छा, ना, नाक का सूंघने की इच्छा, अच्छे से अच्छा, वो सारी कामनाएं हैं हर इंद्रिय की इच्छा। ठीक है, वासना के रूप में जो जानते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर चंचल मन जो है, कहते जहां जहां भी कहते जाएगा वहां वहां से कहते इसको कंट्रोल करें, और ला करके कहां करें, आत्मा के सरेंडर में करें, मतलब सेल्फ के अंडर कर दें, कि बाहर न जाने दे, अंदर की तरफ ही सेल्फ सेल्फ रियलाइजेशन करें, खुद के बारे में चिंतन करें। कहते और पुरस्कारम तिरस्कारम सुश्राव्यम व भयानकम, कहते पुरस्कार मिले चाहे आपको, अच्छी चीज मिले, या अच्छी चीज पाने की कल्पना होती है कि मेरा सम्मान हो या मेरा अपमान हो जाता है, उससे हम बचने की कोशिश करते हैं, या सुनने में सुखकारी होते हैं कुछ चीजें, कुछ दुखकारी होती है, कहते इन सारी चीजों से आप अपने चित्त को हटा ले, मन को हटाएं, और कहां लाएं, आत्मा के वशीभूत करें, आत्मा के अंडर सरेंडर करवाए, मतलब मन को नियंत्रित करना है हर तरीके से, आत्मा के वशीभूत करना है। सुगंधे व अपि दुर्गंधे घ्राणेषु जायते मन है तस्मात् प्रत्याहरेत एतद् आत्मन्ये वशमेव, कहते वहां से भी सुगंध दुर्गंध से भी मन को हटाएं और आत्मा के वशीभूत कर दें। मधुर अमल तिक्त आदि रसान्याति तद यदा मन है, मधुर अमल तिक्त, छह रस बताए गए हैं आयुर्वेद में, आगे हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से करेंगे छह रसों को, अभी इन शॉर्ट में आपको नाम बता देता हूँ छह रस कौन से होते हैं। मधुर होते हैं, एक अमल होता है मधुर अमल, एक लवण होता है, एक कटु होता है, एक तिक्त होता है, एक कषाय होता है। कोशिश करें कि आप इनकी सीक्वेंस में ऐसे याद करेंगे तो आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, जब हमें आवश्यकता होगी ना जब इस टॉपिक को पढ़ने की, तो हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा इस सीक्वेंस में याद करने से, बहुत अच्छा इजी वे में हम आगे की चीजें भी याद कर लेंगे। तो ये छह रस बताए गए हैं, तो एग्जामिनर कभी कभी पूछ देता है कि बताओ आयुर्वेद में कितने रस हैं, छह प्रकार के रस हैं, मधुर अमल लवण कटु तिक्त कषाय, हमेशा ही भोजन के छह रस माने गए हैं। ओके, और हालांकि सीक्वेंस नहीं पूछता है, बट आपको क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट एक बताना है आगे जाकर के यूनिट 7 में, कविता मिश्रा मैम बात पिकअप में जहाँ बात आएगी,
वहां पर जो है इस कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत पड़ेगी कि सीक्वेंस में जरूरत होगी इसकी। तो सीक्वेंस में याद कर लें, मधुर अमल लवण कटु तिक्त कषाय। डॉक्टर सुमन कांता मैम ने एक ट्रिक बनाई हुई है मल कटक, है ना, MALKTK। तो इस तरीके से याद आता है मधुर अमल लवण कटु तिक्त कषाय। खैर ये बाद की बातें, तो हम बाद में इनको याद करेंगे अच्छे से, अभी भी आप लोगों को ओवरव्यू दे दिया है थोड़ा सा। तो कहते हैं मधुर अमल तिक्त आदि, किसी का मीठा खाने की इच्छा होती है, किसी का खट्टा, किसी का तिक्त, किसी का कसाय आदि अलग अलग रस पान करने की इच्छा है। कहते हैं उन जीभा के सभी रसों से मन को हटाएं और आत्मा के वशीभूत करें। माने इन शॉर्ट क्या है प्रत्याहार, कहते हर चीज से मन को हटाएं, मन को जो हटा करके हर चीज से जहां भी है, क्योंकि ज्ञान इंद्रियां हैं कितनी है, पांच है सर, ये हमने जाना। कर्ण है, कान, त्वचा, चक्षु, घ्राण, नासिका और जीवा, ये पांचों हैं। इन सब का स्वामी कौन है, इनको नियंत्रण करने वाला मन है सर। मन अगर कान के साथ में लगा हुआ है तो आप जो है मेरी आवाज अभी सुन पा रहे हैं, है ना। अगर मन आपका कान के साथ में नहीं है तो मैं कितना भी बोल रहा हूं, कुछ भी बोला होगा, तो अभी जितना भी मैंने बोला है आधे घंटे तक का जो भी मेटेरियल है वो सारा आपके समझ से बाहर है सर, कि क्या बोल गए पता ही नहीं चला ना। कि मन जिस इंद्रिय के साथ में होगा उसी चीज का आपको ज्ञान प्राप्त होता है। माने मन क्या है, इन सारी इंद्रियों का राजा है, नियंत्रण करता है इनका, नियंत्रण करता। तो कहते इसलिए इस प्रजा को जब कंट्रोल में करना होता है, छोटे छोटे, है ना, हमको कंट्रोल में करना है, तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, लीडर्स को खरीदती है, हमें नहीं कुछ कहती, लीडर को कंट्रोल में कर लिया तो प्रजा अपने आप नियंत्रण में आ गई, है ना। तो मन जो है नियंत्रण में कीजिए, कहते इंद्रियां अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। तो और मन को नियंत्रित करके क्या करिए, आत्मा के वशीभूत करिए, मतलब सेल्फ के अंदर सरेंडर करवा दीजिए, है ना, किसी ना किसी तरीके से अंदर मुखी कीजिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट प्रत्याहार गिरन संहिता के क्षेत्र में क्या हुआ, कहता मन को आत्मा के वशीभूत करना, आत्मा के वशीभूत करना, है ना, अंदर सरेंडर करवाना, ठीक है, अंदर, ये इसकी परिभाषा बनी है प्रत्यार की। माने आप ये नहीं कहेंगे कि प्रत्यार का मतलब इंद्रियों का निग्रह करना होता है, गिरण संहिता में होता यही है इंद्रियों का निग्रह करना, इनडायरेक्टली वही चीज हो रही है, परंतु एक्सप्लेनेशन यहाँ पर थोड़ी सी अलग है। यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्यार करने का तरीका है मन को कंट्रोल करना, आत्मा के वशीभूत कर लेना, हर विषय से हटाना, है ना, अपने आप को। तो अब दो चीज निकल के आ गई अपने पास प्रत्यार के बारे में। कहते एक तो प्रत्यार क्या है, यस्य विज्ञान मात्रेण कामादिरी पुनाशनम। कहते प्रत्यार वो है जिसके ज्ञान मात्र से क्या हो जाएगा, जिसका अगर अच्छे से आपको ज्ञान हो गया, आपने कर लिया, तो काम आदि रिपुओं का नाश हो जाएगा, माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनका नाश हो जाएगा। और क्या होगा, करना कैसे, कहते इनको करने का तरीका ये है कि मन को आत्मा के वशीभूत करना है, हर चीज से हटा करके, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, चाहे सुनने में अच्छी लगे सुनने में दुखकारक हो, चाहे वो सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो, चाहे वो अच्छा रस हो चाहे वो बुरा रस हो, है ना, हर चीज से मन को हटाएं और कहां लाएं, मन को हटा करके आत्मा के वशीभूत करें, आत्मा के अंदर कंट्रोल करवा दे सर। दो चीज इसकी खासियत बनी प्रत्यार, इतना ही है प्रत्यार गिरण संहिता में। प्रत्यार का कोई भी टाइप नहीं है प्रीत ढांडा जी, थोड़ा कंट्रोल करेंगे इस चीज को, नियंत्रण करेंगे कि प्रत्यार के कोई टाइप नहीं है। हालांकि बुक में हो सकता है कहीं पर आपको षट शत्रु बता रखे हैं कि प्रत्यार के छह प्रकार है, ऐसे ऐसे कहीं कहीं पर मिस थोड़ा टाइप कर रखा है, कुछ पुस्तकों में व्याख्या कर रखी है, वो बिल्कुल नहीं है। तो आपको ये बताया ये बिल्कुल 100% ओके है, श्लोक के अनुसार मैंने एक्सप्लेन किया सुदीप सर, तो बिल्कुल ओके है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर हमारा प्रत्यार संपन्न होता है, उसके बाद में कुंभक करना होता है अपने को, अष्टांग सप्तांग योग के अंतर्गत। तो सप्तांग योग में क्या क्या चीजें हमने देखी, सबसे पहले कहते हैं षटक्रम करिए, षटक्रम, फिर उसके बाद में आसन करें, फिर मुद्रा आता है तीसरे नंबर पर, फिर प्रत्याहार आता है चौथे नंबर पर, फिर पांचवें नंबर पर कुंभक का वर्णन किया गया है गिरण संहिता में। कहते प्रत्याहार के बाद में कुंभक करें, ठीक है सर। अब एक इन शॉर्ट और ध्यान रखिएगा, केवल गिरण संहिता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है गिरण संहिता जो कहता है प्रत्याहार के बाद में कुंभक करें। इन जनरल आपसे हमेशा याद रखे कि कुंभक जो है कुंभक के बाद में प्रत्याहार होगा, प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार होता है इन शॉर्ट, है ना। केवल गिरण संहिता में ऐसा कहा गया कि प्रत्याहार के बाद में कुंभक होगा, अन्य ग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं मिलता। अन्य ग्रंथों में जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार होता है, अष्टांग योग जानते होंगे आप, है ना। तो केवल गिरण संहिता में थोड़ा सा ये विपरीत कॉन्सेप्ट मिलता है आपको, ओके। तो अब बात करते हैं आगे की बात, तो षटक्रम, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार और कुंभक, ये चार, पांचवा कुंभक अंग हुआ। कुंभक में कहते हैं, कहते कुंभक का अभ्यास करना है आपको, माने प्राणायाम का अभ्यास करना है, तो क्या क्या करें,
तो कहते कुंभक करने से पहले है ना, गिरण संहिता ये कहती है आपको कुंभक करना है, उससे पहले आपको एक तरह से षटक्रम आसन मुद्रा प्रत्याहार तक तो करके आ गए आप, और कुंभक शुरू करने जा रहे हैं तो कुंभक के लिए जगह तो चाहिए आपको प्राणायाम करने के लिए। तो कहते कैसा जगह चुननी है, समय कौन सा हो, भोजन क्या क्या करना है और क्या क्या करना है वो चीज आपको जाननी है। फिर थोड़ा सा मैं हठ प्रदीपिका में ले चलता हूँ आपको, कोरिलेट करते हैं चीज को। हठ प्रदीपिका में चतुरंग योग था, चतुरंग योग था बिल्कुल था। क्या क्या चीजें थी चतुरंग योग में, एक आसन था, फिर कुंभक था, फिर मुद्रा बताई गई थी आपको वहां पर, फिर नादान संधान था। ठीक है, ओके सर। अब आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन छोटा सा बनता है कि बताइए हठ प्रदीपिका के अनुसार मुद्रा कब करनी है, कुंभक के पश्चात, हठ प्रदीपिका के अनुसार बताइए गिरण संहिता के अनुसार मुद्रा कब करनी है, आसन से बाद में, आसन के बाद में और कुंभक से पहले, है ना, कुंभक से पहले बताई गई है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, गिरण संहिता थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। तो मैं बात कर रहा था हठ प्रदीपिका में, हठ प्रदीपिका में कुंभक से पहले क्या बताया गया था, षटक्रम बताया गया था। कहते नाड़ी शुद्धि करना है, या तो षटक्रमों से कर लो, या फिर कहते नाड़ी शुद्धि एक टेक्निक बताते हैं हम आपको, नासिका पकड़ करके होल्ड करना है कुंभक को, है ना, तो उससे करना है, ये बात आई थी। ठीक है, हठ प्रदीपिका में ये कॉन्सेप्ट था ना, सेम यहाँ पर है। कहते कुंभक करना है आपको, करिए कोई दिक्कत नहीं है, परंतु कहते कुछ चीजों का ध्यान रखना है पहले। कहते क्या करना है, आदौ स्थानम तथा कालम मिताहारम तथा परम नाड़ी शुद्धिम तथा पश्चात प्राणायामम च साधयेत। कहते आपको सबसे पहले, आदौ मतलब सबसे पहले स्थान जगह का निर्णय करना है, जगह कैसी हो, किस जगह पर जाके करना है, फिर काल का पता होना चाहिए, समय के बारे में पता हो कि किस समय किस ऋतु में प्रारंभ करें, पहली बार जब आप अभ्यास करने जा रहे हैं तो कोई ऋतु विशेष का ध्यान रखें, फिर भोजन कैसा करें योगाभ्यास काल में मितार में उसका ध्यान रखें, और नाड़ी शुद्धिम ततः पश्चात और उसके बाद में नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करें, फिर जो है कहते प्राणायाम करें। कहते नाड़ी शुद्धि हो जाने के बाद में प्राणायाम करें, कहते आप सीधा प्राणायाम मत करना नहीं तो नुकसान हो जाएगा, गिरन ऋषि का ऐसा कहना है। तो आपके सामने ये सीक्वेंस में पूछी जाती है चीजें, कई बार पूछी गई है सीक्वेंस ना, कि बताइए प्राणायाम के अनुसार, प्राणायाम करने से पहले जो है क्या क्या करना चाहिए गिरण संहिता के अनुसार। तो क्या करना है, स्थान काल मिताहार नाड़ी शुद्धि। अब इनको याद रखने का तरीका, श्लोक याद रख लें सबसे बेस्ट है, नहीं तो क्या याद करेंगे कविता मिश्रा मैम, कर्म होते हैं, एक तो ऐसे होते हैं जो कामनाओं से युक्त होते हैं, उनको कहते हैं कामनाएं सहित, है ना, सकाम कर्म बोलते हैं, एक कुछ ऐसे होते हैं निष्काम बोलते होते हैं, ऐसा भी होता है ना। ठीक है, तो आप सकाम कर्म को ध्यान में रखें, सकाम आप कुंभक करने जा रहे हैं तो उससे पहले सकाम कर्म करने हैं। सकाम कौन कौन से, स से स्थान करना है, का से काल, मैं से मिताहार करना है, मिताहार, और अंत में तो नाड़ी शुद्धि है ही है फिर, है ना। कहते नाड़ी शुद्धि करना है, और फिर नाड़ी शुद्धि जब हो जाए तब कहते उसके पश्चात आपको कुंभक का अभ्यास करना है, ताकि आपकी वायु जो है सही से चले नाड़ियों में। तो ये चार तरीके हैं याद रख, इन सब की सीक्वेंस रखने का तरीका है आसान, सकाम शब्द से। सकाम याद रहेगा आपको, जो है एग्जाम में जो है कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सी चीज पहले कौन सी बाद में, स से स्थान, का से काल, मैं से मिताहार और न से नाड़ी शुद्धि, सिंपल डन। या कोई और तरीका आपको लगे तो उस तरीके से याद कर ले, और सबसे बेस्ट तो मैं हमेशा ही कहता हूँ श्लोक ही दा बेस्ट रहता है, क्योंकि श्लोक अपने आप में ऑथेंटिक है ना। ये तो छोटी छोटी ट्रिक्स है एग्जाम तक काम आने वाली, अदरवाइज आपको जो है बेस्ट तरीका श्लोक ही याद करना है, याद रखें। ओके, कुंभक से पूर्व ये जो चीजें हो गई, इसके बाद में जो है स्थान आदि कैसा हो उसकी बात करनी है, पर अभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले आज हम जो है हठ प्रदीपिका के क्वेश्चन बचे हुए हैं बहुत सारे, उनको करेंगे आज हम। ठीक है जी, तो चलिए हम क्विज लगाते हैं आज की। ओके, एक बात मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, रुचि मिश्रा मैम, अभी भी बहुत सारे विद्यार्थी जिनको ये नहीं पता कि हमें क्या क्या मिलता है, तो ये क्लास अगर बाय चांस आप अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है एप्लीकेशन पर, जैसे ही एप्लीकेशन खोलते तो यहाँ पर परचेज कोर्स मिलता है आपको, यहाँ पर दिखा हुआ ये दिख रहा है ना। अगर आपने दोनों पेपर ले रखे तो आपके सामने नीचे दो ऐसे लिखेगा, दो डॉट मिलेंगे यहाँ पर, ये ब्लैक से ये दिख रहे हैं डॉट यहाँ पर, है ना, इनको लेफ्ट राइट स्वाइप करेंगे इधर या इधर, है ना, इस पर यहाँ पर आग रख करके, तो आपको अगर दोनों ले रखे तो दोनों पेपर दिख जाएंगे, एक नीचे ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना, उसमें फिर क्लिक करेंगे तो आपको कंटेंट में जाना है, यहाँ पर नानक सैनी जी कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जो भी आपके काम की चीजें सारी यहाँ पर मिलेंगी, आपको एक्स्ट्रा 1 रुपया नहीं देना किसी चीज के लिए भी,
ना, आपको लगता है कि कोई चीज मुझे नहीं मिली है तो आप प्लीज पूछ ले, अदरवाइज अपने आप कुछ खरीद मत लेना ऑटोमेटिक ऐप पर जाकर के, क्योंकि आपने जो खरीद रखा है वो इनफ है आप लोगों के लिए ऑलरेडी ना, सारी चीजें आ गई आपको। ओके, तो अब हम पेपर शुरू करते हैं। ये PYQ है प्रदीपिका का, PYQ जिसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो इनको करेंगे। जब भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना है तो सबसे पहले कंटेंट को पूरा अच्छे से पढ़ें, उसके बाद में ही क्वेश्चन आंसर लगाएं, सीधा क्वेश्चन आंसर कभी ना करें, ठीक है? ये छोटी सी बात ध्यान रखें। नेहा प्रजापति मैम, करण सिंह जी बहुत ही बढ़िया, डॉक्टर सुमन मैम, मोनिका सांगवान जी, ओके, मोनिका गुप्ता जी, हठ प्रदीपिका के अनुसार एक योगाभ्यासी के लिए कौन से आहार द्रव्य निषिद्ध है? निषिद्ध पूछा है, ये छोटी सी बात ध्यान रखें, निषिद्ध। इन शॉर्ट में बताऊं, हठ प्रदीपिका में बहुत सारी चीजें दे रखी है, मना कौन सी होती है? हमेशा ही जो खट्टी चीज हो, खट्टी चीज है ना, खट्टी चीजें, हरी सब्जियां सारी लगभग मना है, हरे रंग की सारी सब्जियां मना है, तेल आदि जितने भी है वो सारे मना है, बासी चीजें सब मना है, बहुत ज्यादा गर्म है वो मना है, लगभग मोटे तौर पर आपको ये ध्यान रखना है, मोटे तौर पर। इतनी सी बातें क्लियर हैं तो फिर हम कभी भी ध्यान कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो आपसे निषिद्ध पूछा है, निषिद्ध बोले तो जिसको नहीं खाना वो वाला, अपथ्य मतलब एक तरह से अपथ्य। तो क्या सर, तिल से तेल निकलता है, नहीं खाना सर, ए उत्तर होगा हमारा, ठीक है? यव का मतलब होता है जो, जो खाओ सर कोई दिक्कत नहीं, अन्न है अच्छे अन्न खाओ, है ना। सरसप माने सरसों होती है, सरसों का रंग सर हरा होता है, हरा है तो सर हरी सब्जियां मना कर रखी है, ठीक है? क्योंकि उस काल में ज्यादा थी, ओवर थी, और जिस काल में जो चीज ओवर हो जाती है तो वहां के विद्वान उस काल विशेष के विद्वान उस चीजों की मनाही कर देते हैं पॉपुलेशन के लिए कि भैया बहुत अति हो गई है, कुछ और काम धंधा भी पकड़ो तो दूसरे काम करो, है ना। ये काल पर डिपेंड करती है बहुत सारी चीजें कि किस काल में आधिक्य किस चीज का है, उस चीज को वर्जित कर दिया जाता है कुछ समय के लिए ताकि लोग दूसरी चीज पर भी शिफ्ट हो, ये कारण रहा होगा। अदरवाइज आज के टाइम में क्योंकि कमी है हरी सब्जियों की, पैकेट बंद फूड ही खा रहे हैं सबसे ज्यादा, केदार ज्यादा सर आज के टाइम में सूखी सब्जियां है ना, हरी सब्जियां देखने को भी नहीं मिलती, तो इसलिए आज कहा जाता है कि भाई हरी सब्जियां खाओ, है ना, क्योंकि आंखों वगैरह के लिए अच्छी है। ओके, अच्छी तो उस टाइम भी थी आंखों के लिए। ओके, तो तिल और तेल सरसों आदि जो है मना किया गया, तो ए और सी जो है मेरा इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए। तो क्या है, एक नंबर, शुंठी का मतलब होता है सूखी अदरक, ये खाने योग्य बताई गई है। इन शॉर्ट सारी चीजें बताई हुई है, वो प्लीज आप लिस्ट देख लेंगे, ठीक है? तो ए और सी आपका राइट आंसर होगा, जो सभी विद्यार्थियों ने एक नंबर ऑप्शन दे दिया ऑलरेडी। ओके, तो आगे चलें, नेक्स्ट। रेणु चौरसिया जी बहुत बढ़िया, तो हट प्रदीपिका के अनुसार अब ध्यान दें, यहां पर क्या दिया है, क्रिया लिखा है, और क्रिया का मतलब हमेशा ही हर ग्रंथ में, हर ग्रंथ में क्रिया का मतलब षट क्रियाओं से होता है, षट क्रिया, ओनली षट क्रियाओं से, याद रखना क्रिया का मतलब ना तो मुद्रा से है, क्रिया शब्द से, योग की भाषा में स्पेशली हठ योग की भाषा में क्रिया का मतलब कोई एक्टिविटी, इंग्लिश में एक्टिविटी होता है क्रिया का मतलब, पर यहां पर क्रिया का मतलब षट क्रिया या शुद्धि क्रिया, या एक टर्म और मिलेगी षट की जगह पर, शुद्धि क्रियाएं आठ भी होती है तो अष्ट क्रिया टर्म मिलेगी, उनसे है, ठीक है? तो हठ प्रदीपिका में कौन सी क्रिया गोपनीय है, एकमात्र कहा था त्राटक, क्या कहा था, हाट का पेटकम, कहते सोने की पेटी के समान संभाल के रखना है, होता क्या है इससे, इससे हाट का पेटकम, कहते इससे त्राटक आंखों की क्रिया है तो नेत्र ज्योति बढ़ेगी, और तंद्रा आती है माने नींद की स्थिति बनी रहती है, 24 घंटे उबासी लेता है, यानिंग है ना, उस कंडीशन से छुटकारा मिलेगा और निद्रा आदि पर व्यत विजय हो जाएगी, ठीक है सर? ये ऑप्शन दे, त्राटक अपना कंप्लीट। इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा क्या हुआ, राइट, त्राटक इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, परंतु हमें असल में क्या करना है, अभी PYQ का एनालिसिस करना है, एक एक चीज के बारे में पता हो। अभी हम एक तरह से हठप्रदीपी का रिवाइज कर रहे हैं, डॉक्टर प्रीत ढांडा जी है ना, धोती का मतलब क्या था, धोती थी 4 अंगुल चौड़ा कपड़ा और 15 हाथ लंबा कपड़ा, और 15 हाथ लंबाई का मतलब क्या होता है, फुट में 22.5 फुट होता है सर, ये बात क्लियर है। और क्या था, धोती के लाभ क्या थे, धोती के लाभ कास, श्वास, पलीहा बोले तो स्प्लीन के रोग, और कुष्ठम, कुष्ठ रोग है ना, कुष्ठ का मतलब होता है स्किन डिजीज, चर्म रोग, श्वास का मतलब दमा आदि, अस्थमा आदि सारे, कास का मतलब खांसी आदि है ना, कहते इन रोगों में कहते लाभकारी बताई गई थी, और 20 प्रकार के कफ रोग, कफ रोग है विंशति, ये यहां पर 20% नहीं है, 20 प्रकार के कफ रोग हैं ये ध्यान रखेंगे, और वात पित्त कफ त्रिदोष होते हैं, वात पित्त कफ त्रिदोष होते हैं, वात से पित्त से कफ से इनसे कितने कितने रोग होते हैं, कफ से 20 होंगे तो पित्त से 20 दूनी 40 होंगे, 40 दूनी 80 वात से होंगे, ये भी मैंने बात बता दी थी पहले ही। ओके सर,
ये बात होगी। नेति की बात करें तो नेति के लिए कहा गया है सूत्र नेति करनी है जिसकी लंबाई एक वित्त हो अथवा एक बलिश्त आप बोल सकते हैं चलेगा, है ना, अथवा क्या बोलें 9 इंच बोलें चलेगा, अथवा क्या बोल सकते हैं 12 अंगुल, सारे पैरामीटर एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनमें से एग्जामिनर कोई भी ऑप्शन में दे देता है कभी कभी आपको, नेति की लंबाई वित्त में ना दे करके इंचेस में पूछ लेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। ओके, तो आगे आपको बात करें नेति की बात, तो इसके लाभ क्या क्या थे, 3 लाभ थे नेति के, नेति ती से 3 लाभ थे सर। क्या क्या लाभ थे, एक तो कहते कपाल शोधन, कपाल शुद्धन होगा, और क्या होगा नेत्र, नेति नेत्र के लिए सर, नेत्र ज्योति बढ़ाएगा माने दिव्य दृष्टि प्रदान करेगा, दिव्य दृष्टि, और क्या होगा सर जो इसी का लाभ था, ऊर्ध्व जत्रु रोगों का नाश, ऊर्ध्व जत्रु रोगों का नाश करेगा, ये लाभ थे हठ प्रदीपिका के सर। अब गिरण संहिता भी तो हमने पढ़ चुके हैं, गिरण के भी तो पता हो हमें, गिरण का मतलब क्या क्या था, गिरण कहता कफ दोष नाश करेगा, कफ दोष नेति, कपाल की बात नहीं की कफ दोष, और नेति नेत्र तो दिव्य दृष्टि तो आएगी आएगी सर, दिव्य दृष्टि। और केदार जाधव सर जल्दी से लिखिए बताइए, बोल करके भी बता सकते हैं, आपका माइक और कैमरा दोनों ऑन रखता हूं मैं हमेशा ही ना, ठीक है। तो बताइए केदार सर नेति का और क्या लाभ होगा विशेष रूप से, यहां पर गेरण के अनुसार पूछ रहा हूं मैं, गेरण संहिता के अनुसार, सिद्धि बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, खेचरी की सिद्धि होगी, खेचरी मुद्रा की सिद्धि होगी, है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो कफ दिव्य दृष्टि और खेचरी, ये गेरण संहिता की नजरों में इसी तरीके से आपको अप्रोच रखनी है, आपने कंटेंट पढ़ लिया इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बस एक प्रश्न मैं कर रहा हूं और उसका उत्तर आना चाहिए, इतना मात्र इनफ नहीं है आपको, आप अभी तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते समय हर ऑप्शन आपके दिमाग में घूमना चाहिए कि ये ऑप्शन है तो इसका क्या मतलब निकलता है, कल को एग्जामिनर प्रश्न की भाषा चेंज कर देगा, कह देगा कि इनमें से वो क्रिया बताओ जिससे ऊर्ध्व जत्रु रोग नाश होते हैं, ऑप्शन सेम है, तो आपको पहले से पता होना चाहिए ना, तैयारी ऐसी होगी। और कपाल भाति में क्या होता है, रेचक पूरक होता है, रेच पूरक संस भ्रमो, किसके समान, लोहार की धोकरी के समान, और किसमें लाभकारी है सर, कफ रोगों में विशेष रूप से लाभकारी है, कफ रोग में, ये कौन कहता है, ये कह रही है अपनी हठ प्रदीपिका। गिरण संहिता क्या कहती है, कहते कपाल भाति के 3 प्रकार हैं, क्या क्या, एक वात, एक व्युत्क्रम और एक शीतक्रम, ये 3 प्रकार है सर। वातक्रम वायु से होता है जो अनुलोम विलोम की तरह होता है, करण सिंह जी याद होगा, व्युत्क्रम जो होता है उल्टा होता है, कहते हम जैसे पानी पीते नहीं उसके उल्टा पानी पियो, कहते नाक से पानी पियो तो निकाल दो, शीतक्रम में शीतली की तरह होगा, शीतली में वायु ग्रहण करते हैं आप, शीतली में शीतक्रम में क्या करो, पानी लो मुंह से और नासिका से निकाल दो, और इसी शीतक्रम से कामदेव के समान शरीर सुंदर होना बताया था, ये लाभ थे सर। डन है, अपनी बात ही क्लियर है सर, पूरा का पूरा क्वेश्चन आ गया। अब इसके इसी क्वेश्चन से एग्जामिनर नेक्स्ट टाइम जब प्रश्न बनाएगा इस क्वेश्चन को देखेगा, है ना, और इसी में से कुछ क्वेश्चन नया बनाने की कोशिश करेगा। अगर ये क्वेश्चन आपने हर तरीके से हर एंगल से जान लिया इस क्वेश्चन को, तो अब एग्जामिनर कैसा भी प्रश्न बनाएगा आप आराम से पकड़ लेंगे, यही सबसे अच्छी टेक्निक होती है तैयारी करने की। तो तैयारी जब कर रहे हैं आप लोग तो हर क्वेश्चन का जो आपने कंटेंट पढ़ लिया उसके अनुसार मीनिंग पता हो हर चीज का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आइए, और ये रिवीजन भी हो रही है, आपके क्वेश्चन भी हो रहे हैं, और इसी एंगल से आप जो पर्सनली भी करेंगे, जैसे ये प्रश्न है अब आपको उत्तर आता है इसका, उत्तर आपने दे दिया, बट आपको इतने परेशान नहीं होना है, मोनिका सांगवान मैम, हेमा साहू मैम, श्वेता ठाकुर जी, आपको सारी बातें दिमाग में आनी चाहिए कि वीणा का मतलब क्या है, यहाँ पर विमर्द का क्या मतलब है, मर्दल क्या है, भेरी क्या है, और क्या चीज होती है प्रश्न की इसमें, है ना। तो नादान संदान की निष्पत्ति पूछा है यहाँ पर, आरंभ मध्य या अंत, कुछ नहीं कहा, कहा निष्पत्ति, 4 में से 1 अवस्था दे दी, 4 अवस्था होती है, एक आरंभ होती है, कौन सी होती है, दूसरी घट है, 2 नंबर के 2 शब्दों से घट अवस्था बनती है, तीसरी परिचय होती है, ठीक है, चौथी निष्पत्ति होती है, निष्कर्ष से निष्पत्ति, इस तरीके से याद रखेंगे अंतिम अवस्था, अदरवाइज तो डायरेक्ट याद रखें। डॉक्टर किरण सनवाल मैम हमारे बीच में उपस्थित है, जिनका हाल ही में PhD में एडमिशन हुआ है BHU के अंतर्गत, इनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, डॉक्टर किरण सनवाल जी आपका स्वागत है कक्षा में। तो आरंभ अवस्था की बात करें तो कैसी साउंड आती है, कणक की, कणक की साउंड आती है जिसको हम झण झण की साउंड कहते हैं, झण झण, ठीक है। घट अवस्था 2 शब्दों से मिलकर के बनी है, घट है तो 2 ही इसके लाभ होते हैं, 2 ही साउंड आते हैं, 2 लाभ क्या क्या, ज्ञानी और देवतुल्य। साउंड कैसी आती है, साउंड आती है 2, भेरी और विमर्द, विमर्द होता है चिंगाड़ने जैसी आवाजें, आघात जन्य, जैसे डॉक्टर सुमन कांता मैम ने बताया था कि जो तालियां आदि बजती है उस तरीके की आवाज है ना, आघात जो होता है हमला आदि होता है उस तरीके की, आघात जन्य, दर्दनाक, आघात जन्य, ठीक है। परिचय अवस्था में 9 साउंड, कोई साउंड नहीं आती, निष्पत्ति
ओ सॉरी निष्पत्ति सॉरी प्रीच्य अवस्था में कोई ग्रंथि का भेदन नहीं होता, साउंड आती है अपनी मर्दल, बोले तो ढोल की आवाज आती है, ढोल मर्दल ढोल। ग्रंथि का भेदन आरंभ में ब्रह्म ग्रंथि का, घटावस्था में जो दूसरी ग्रंथि होती है अपनी विष्णु ग्रंथि का, परिचय में कोई ग्रंथि का भेदन नहीं होता, निष्पत्ति में ग्रंथि कौन सी होती है, रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, और निष्पत्ति अवस्था में ही साउंड आती है बहुत अच्छी, माता सरस्वती के वीणा जैसी आवाज आती होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन टू आप लोगों ने पहले ही दे दिया है, बहुत बढ़िया। ठीक है, रुद्र ग्रंथि की आवाज आती है, और इसी में क्या होता है, साधक लास्ट में क्या अचीव करना है, हठयोग का उद्देश्य है राजयोग की अवस्था। तो हठयोग अपना कंप्लीट हो गया स्वामी स्वात्माराम की नजरों में, आसन कुंभक मुद्रा नादानुसंधान, और नादानुसंधान चार अंग बताए थे, अंतिम अवस्था निष्पत्ति, और यहाँ पर हठयोग कंप्लीट हुआ स्वामी स्वात्माराम की नजरों में। तो इसीलिए उनका उद्देश्य क्या था, हठयोग का उद्देश्य केवलम राजयोग आए, तो इसी निष्पत्ति से राजयोग पूर्ण हो गया, राजयोग संज्ञा वाला साधक हो गया, ईश्वर तुल्य सृष्टि संहार करने में सक्षम हो जाता है, सृष्टि संहार करने में सक्षम हो जाता है निष्पत्ति में ही। ठीक है, तो ये अपने को सारी बातें पता लग गई। विमर्द कब आएगी, घट अवस्था में आएगी सर। ठीक है, मर्तल कब आएगा, परिचय में आएगी। भेरी कब आ रही है, ये भी सर घट अवस्था में आ रही है। बात क्लियर है, ओके। तो ये इस तरीके से आपको एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, इसका मतलब आपने तैयारी की है, अदरवाइज तो आप केवल तैयारी के नाम पर क्लास में आते हैं ना, तो ऐसा करना नहीं है। पूनम सिंह मैम आपसे निवेदन है बारंबार कि एक बार में आपको अच्छी तैयारी करनी है ना, बार बार का नहीं करना आपने को ना। ठीक है, ओके, निष्पत्ति अवस्था आगे बात करते हैं नेक्स्ट। रुचि मैम, ज्योति बलहरा जी, सोनिका सिंह जी, कविता मिश्रा जी, डॉक्टर सुमन कांता मैम, बहुत ही बढ़िया, करण सिंह जी, ओके। तो अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया। अब ये देखो लैंग्वेज क्या बनाई, एग्जामिनर ने कोशिश की अपनी तरफ से थोड़ा सा टिपिकल करने की लैंग्वेज को, और इनडायरेक्टली हमें पता है कि सर उड्डयन बंद जब करते हैं तो एक महाखग नामक प्राण जो होता है वो सुषुम्ना में गति करता है, इतना ही बात है। इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा करके थोड़ी भाषा अच्छी बता दी है। ठीक है, तो उड्डयन बंद इसका ऑप्शन कर है ना, याद होगा उड्डयन बंद सर, इससे क्या है ऊपर उठेगा प्राण हमारा, यही था। वृद्ध भी कहते युवा समान हो जाता, और एक इसकी तुलना की गई थी मृत्यु मातंग केसरी, कहते मृत्यु रूपी हाथी पर कहते केसरी बोले तो सिंह जो होता है कहते विजय प्राप्त कर लेता है, ऐसे ही कहते उद्यानबन से होगा, मृत्यु मातंग केसरी की एक तुलना की गई थी। तो कल कोई प्रश्न ऐसा बना देगा अट प्रदीपिका में या किसी ग्रंथ में, कई ग्रंथों में कहा गया ये मृत्यु मातंग केसरी, इसलिए इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कि बताइए मृत्यु मातंग केसरी की तुलना किस से कही गई है, तो उद्यानबंध से, सिंपल। जालंधर बंध की क्या थी, 16 आधारों का नियंत्रण करेगा, 16 आधार नियंत्रण करेगा। अब 16 आधार कौन से हैं ये हमें आगे ग्रंथ में नाम मिलेंगे सारे के सारे, इसलिए मैंने बताए नहीं है अभी के लिए आपको अमितार्य जी, 16 आधार में से एक भी आधार नहीं बता रखा आपको मैंने। ठीक है, आगे कोई ग्रंथ आएगा उस ग्रंथ में हम अच्छे से डेप्थ में देखेंगे। और क्या था, वात रोगों का नाश करता है ये, वात जालंधर बंध जो है वात आदि अथवा कंठ के जो विकार होते हैं उनको नाश करता है। और जो क्या था जालंधर बंध में अपना एक स्पेशलिटी और थी इसकी, जालंधर बंध की 16 धारों के साथ में अपना सॉरी कौन था इसका, इसका नाम था मध्य चक्र, मध्य चक्र, मध्य चक्र कहा गया था। और सोम स्त्राव जो ऊपर से जो चंद्र मंडल से सोम रस गिर करके जठराग्नि में डायरेक्टली भस्म होता है, उसको जालंधर लोक लग गया हमारा, जब हमारा चिन्ह लोक लग गया तो जालंधर बंध लगने से सोम रस नष्ट नहीं होता, जरा मृत्यु का नाश करता है, ये सिंपल से बेसिक चीजें थी। ओके, मूलबंध की बात करें तो मूलबंध क्या था, कहते योनि भाग का आकुंचन करना है एडी लगा करके आपको, है ना, उपस्थ को नियंत्रित करना है। ओके सर, ये चीजें थी। अब मूलबंध में क्या करना था, लाभ क्या थे, प्राण अपान मिलन होगा और नाद बिंदु का मिलन होगा, ये दो मिलन बताए थे। और जब कहते आप एनएस का बार बार आकुंचन करोगे तो एक तरह से एनएस पर लोक लग गया तो क्या होगा, एक तरह से इमेजिन करिए कॉन्स्टिपेशन जैसी स्थिति बननी चाहिए, माने अर्थ क्या है इस चीज का, कॉन्स्टिपेशन तो खैर नहीं होगा, मतलब क्या निकालेंगे इसका कि सर इससे मल मूत्र अल्प हो जाता है, मल मूत्र कम एक्सक्रीट होता है ना, तो प्रैक्टिकल चीज है सर, ये हो जाता है। और वृद्ध भी युवा समान बनता ही बनता है, ये सिंपल है। और जीवा बंद जो होता है उसको हम तालु जब बैंड कर लेते हैं ना, जैसे जीव को ऊपर की तरफ कपाल कुहर में लगाते तो उसको जीवा बंद बोलते होते, कहते जीव का बंद लगा दिया इसको हम जीवा, इसका कोई बताया नहीं गया आपको, कोई बंधों में शामिल नहीं है ये वैसे ही बताया गया नॉर्मल ना जीवा बंद। ओके, तो मूल बंद से कुंडली जागरण भी होता है। हाँ जी कविता जी, बहुत बढ़िया, आगे बात करें नेक्स्ट।
रमन डूडी जी, बहुत ही बढ़िया, आपकी मेमोरी सच में बहुत तेज है, बहुत जल्दी याद करते हैं आप चीज को। सोनी शर्मा जी, रिंकी जी, उस प्राणायाम का नाम बताना है जिसको आप चलते बैठते कभी भी कर सकते हैं। आज तो ये बात देखो यहाँ पर हिंदी में लिख दी, चलते बैठते कभी भी करें, कल को एग्जामिनर क्या कर देगा? संस्कृत में श्लोक लिखा गया था, गच्छता तिष्ठता कार्यम कुर्यात, है ना, इस तरीके से। इसका संबंध बताओ किस से है निम्न में से? संस्कृत में गच्छता का मतलब होता है चलना जाना, है ना, गति करने से संबंधित, आए जाए इससे। तिष्ठता का मतलब होता है बैठना, है ना, मतलब उठने बैठने से संबंधित हो गया। कहते हैं गच्छता आने जाते या उठते बैठते करने वाली क्रिया माने प्राणायाम कौन सा है? एकमात्र ऐसे कल एग्जाम्पल कर रहे थे कि गाँव में क्या होता है, उज्जाई खुंखारा करते होते हुए, ना थोड़ा सा गले से आवाज करते हैं उ करके, ठीक है, तो इस तरीके से याद रह जाए, उज्जाई है सर एकमात्र, ठीक है। प्लावनी का क्या था? पानी में भी तैरता है साधक, पानी में तैरता है। मूर्छा बेहोशी लाता है सर। और भस्त्रिका की बात करें तो ये जो है तीन ग्रंथियों का भेदन करवाता है, त्रि ग्रंथि, कौन सी है वो ग्रंथियां? ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ग्रंथि का भेदन करवाता है। वात पित्त कफ, पित्त कफ तीनों दोषों के जो रोग है उनको नाश करवाता है भस्त्रिका। और ब्रह्म नाड़ी पर कहते कफ लगा रहता है जिससे कुंडली जागृत होकर के ऊपर ट्रैवल नहीं कर पाती, तो उसकी कुंडली को जागरण करवाता है, एक तरह से कुंडली जागरण में सहायक है। और सर भस्त्रिका है वात पित्त कफ, तो सर सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, तो जठराग्नि तो प्रदीप्त करेगा ही करेगा, ठीक है, ये भस्त्रिका के लाभ हो गए सर। देन अपना कोई खास नहीं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हुआ हमारा? उज्जायी इस कुंभक का जो है उत्तर हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर उज्जायी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न अपने आप में कोई प्रश्न तो नहीं है वैसे ना, आप लोगों को पता होना चाहिए थोड़ा सा। तो एक तो एटलीस्ट आपने पढ़ ही रखा है। अब देखो मान लीजिए आपने उत्तर जो है क्वेश्चन इनमें से कोई एक हट पर दीपिका छोड़ करके कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है, तो आप उत्तर क्या देंगे? सर अष्ट कुंभक का वर्णन हट पर दीपिका में तो है ना, गारंटीड है सर, ये तो उत्तर होगा ही होगा। इसका मतलब जहां पर ए नहीं है वो मेरा उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर नहीं होगा, ये उत्तर नहीं होगा। और एग्जाम में है ना हेमाली साहू मैम, ऐसे प्रश्न अपने को बहुत मिलेंगे जिसमें आपने हो सकता है आपको 50% चीज आ रही है उसकी याद है और 50% भूल गए किसी कारण से, है एग्जाम में होगा क्योंकि प्रेशर होगा वहां पर अलग से, सारी चीजें ऑन द स्पॉट याद नहीं रहती कभी कभी। तो ये ट्रिक आपको जाननी है इंक्लूड और एक्सक्लूड करने की, कि एक कन्फर्म है अठ प्रदीपिका तो आसान हो गया सर, 50-50% लाइफ लाइन रखी। अब बाकी की चीजें ए बी और सी, अब आपने पतंजलि योग दर्शन तो पढ़ा है सभी ने, उसमें तो सर कोई कुंभक है ही नहीं, केदार जाधव सर, सुदीप सर, आपको पता ही है उसमें तो कोई कुंभक का प्रकार ही नहीं है इस तरीके से, तो सर कुंभक पतंजलि तो हो ही सकता, बी हो नहीं सकता, तो सर मेरा उत्तर अब बन गया ना, उत्तर बन गया। ये टेक्निक आपको सीखनी है, ये टेक्निक है जो आपको कंटेंट पढ़ करके नहीं आएगी, वो आपको अपने अंदर से डेवलप करनी है ऐसी। और इसके साथ में और भी तरीके की टेक्निक हो सकती है, उन चीजों को भी जानना कि कंटेंट। डॉक्टर कविता मिश्रा मैम अक्सर बात करते हैं कि सर केवल हमें पढ़ना नहीं है, हमें जो है उत्तर देना है, रिजल्ट बनाना है, और उसके लिए हमें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। एकमात्र कंटेंट पढ़ लिया और हम चले गए एग्जाम देने तो इनफ नहीं है, हमें एग्जाम कैसे टैकल करना है, कोई चीज नहीं आ रही किस तरीके से हमें उस चीज को पता करना है वो भी जानना है। तो अब देखो उत्तर निकाल लिया, अब इसका मतलब क्या है? आपको उत्तर एग्जामिनर ने बता दिया कि गेरंट संहिता है एक, तो एक हठ प्रदीपिका है, इन दो ग्रंथों में आठ आठ कुंभक है। गेरंट संहिता के आठ कुंभक मैंने करवाए नहीं है इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा है ना, परंतु हठ प्रदीपिका के आठों करवाए हैं, तो आठों के नाम याद होने चाहिए। अब आपको क्या क्या है, तैयारी कर रहे हैं आप, तो आठों नाम होने चाहिए, सूर्य बेदी उज्जाई और फिर शीतकारी, शीतकारी फिर शीतली फिर भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी त्यष्ट कुंभक, भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा और प्लाविनी, प्लाविनी इति अष्ट कुंभ का ये था। ये ध्यान रखें सीक्वेंस, कल को एग्जामिनर इसमें आठ कुंभक में भी अंदर जला जाएगा और कहेगा हठ प्रदीपिका के अनुसार इन कुंभकों की सीक्वेंस बताएं, तो श्लोक में सीक्वेंस दिए तो आपको श्लोक याद होना चाहिए, सूर्य बेदी उज्जाई शीतकारी शीतली कथा। थोड़ा था बहुत से विद्यार्थियों में, डॉक्टर सुमन कांता मैम मीनाक्षी जी कहते होते हैं कि सर इनमें कंफ्यूजन होती है याद करने में, तो ट्रिक बताइए। तो उज्जाई में देखो सुदीप सर आधा जय है, उज्जाई में आधा जय है, इस आधे के पास में आधे वाला अक्षर ही चाहिए, शीतकारी में आधा तय और शीतली में पूरा अक्षर है, तो ये थोड़ा बाद में रहेगा, शीतकारी पहले रहेगा, फिर बाकी की तो सीक्वेंस बनी हुई है, भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी अष्ट कुंभ का, ठीक है। तो शीतकारी शीतली में अक्सर कंफ्यूजन रहता है कि पहले कौन सा आएगा, या तो श्लोक याद कर ले बेस्ट है, थोड़ी ट्रिक लगानी है याद नहीं होता तो थोड़ा सा ऐसे निमोनिक सेट कर ले अपने आप में। करण सिंह सर
कुंभक जब भी शब्द आएगा, कुंभक शब्द जहां पर भी यूज करेंगे माटी योग में, सबका मतलब प्राणायाम से ही आप लेंगे, प्राणायाम। अथवा कहीं कहीं पर इनके लिए यूज होगा प्राण संरोध, संरोध, अथवा कहीं कहीं पर यूज होगा प्राण निरोध। समझने के लिए आप लोग इन सभी को प्राणायाम शब्द से ही डिनोट करेंगे, ठीक है जी? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कुंभक का मतलब होता है हमेशा ही होल्ड करना, ब्रेथ को होल्ड करना, क्योंकि हठ प्रदीपिका अथवा गेरन संहिता अथवा जितने भी ग्रंथ है उन सभी में जो प्राणायाम बताए जाते हैं वो इस तरीके से नहीं होते कि आप अनुलोम विलोम करो, ऐसे करो ऐसे करो, वो होते हैं सारे सारे इस तरीके से कि उनमें कुंभक करना ही करना है आपको, किसी भी तरीके से करें। जैसे भस्त्रिका बताया, तो भस्त्रिका में क्या कहा था, तेजी से रुचक पूर्वक करो और फिर जो है लास्ट में एक सूर्य नाड़ी से श्वास लो और होल्ड करो और फिर रोचक करो। तो मतलब भस्त्रिका में भी होल्ड करवा दिया, उज्जैन में भी करवाया, शीतली शीतकारी में भी करवाया, हर जगह पर आपको कुंभक जरूर करवाया जाता है, ठीक है? तो पतंजलि योग सूत्र में है, इसलिए मैंने पतंजलि सूत्र जो है मैंने अभी करवाया नहीं है करण सिंह सर, इसलिए मैंने नहीं बताया। ऊपर आपके सामने प्रश्न पढ़ो पूरा, अष्ट कुंभक है, आठ कुंभक, तो क्या पतंजलि में आठ है क्या? नहीं है ना, तो हमारा उत्तर नहीं होगा ना ये आठ, बात समझ रहे हो मेरी? अष्ट कुंभक, आठ नहीं है वहां पर, ठीक है? और मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए मैं इस पर चर्चा नहीं कर रहा अभी, जिसको पढ़ाया है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, डन है सर। तो इस प्रश्न का उत्तर अपना क्या निकल गया, ए और सी राइट उत्तर हो गया। तो इस तरीके से ये टेक्निक जब आप लोगों को आनी चाहिए, इंक्लूड और एक्सक्लूड करने वाली, ठीक है? नहीं तो एग्जाम में जाते हैं बच्चे और देखते ही घबरा जाते हैं, अरे ये प्रश्न तो बिल्कुल नहीं आता, करें कैसे इसको? तो ऐसे प्रश्न बहुत से मिलने की संभावना है जो हो सकता है आपको बिल्कुल याद ना रहे, है ना? पढ़े होंगे, याद नहीं रहतेगा, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आउट ऑफ लाइन ही आ गया क्वेश्चन, ऐसा भी होगा, बिल्कुल होगा, है ना? क्योंकि हर चीज वो नहीं आएगी जो सारा ही आपने पढ़ रखी है, बिल्कुल आएंगी ऐसी चीजें। तो उनको उत्तर देने का तरीका यही है कि आप इंक्लूड एक्सक्लूड या कोई ना कोई एक्स्ट्रा जो है अपनी कॉमन सेंस का यूज करें, हर तरीके का, हर पहलू का यूज करें। रमन डूडी मैम, एक उत्तर कैसे दिया है आपने ना, हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग सिद्धि के छह कारणों में। अब ये मतलब क्या है, एग्जामिनर ने बस भाषा घुमाई है, छह कारण मतलब क्या है, हठ योग सिद्धि साधक तत्व बताओ, इसका मतलब है ये, में निम्नलिखित में कौन से शामिल नहीं है। अब जिस विद्यार्थी ने प्रश्न पूरा नहीं पढ़ा रमन डूडी मैम, तो उस विद्यार्थी का प्रश्न ये गलत है, नहीं पूछा है आपसे, तो ये पूरा पढ़ना था आपको। ज्योति बलारा मैम, प्रश्न पूरा पढ़ने की आदत होनी चाहिए हमेशा, एक एक अक्षर है ठ प्रदीपिका, एक एक अक्षर पढ़ना आना चाहिए क्वेश्चन का। अगर आप क्वेश्चन पूरा पढ़ने की आदत नहीं है तो आपके फाइनल एग्जाम में प्रश्न पूरा गलत होने की पूरी कोशिश है, गुंजाइश हो सकती है आते हुए भी। तो इसलिए कोशिश करें पूरा पढ़े हमेशा। नहीं पूछा है तो साधक में कौन से नहीं है, मतलब अपने को यहां से चारों में से क्या निकालना है, बाधक निकालना है, या ये समझें कि साधक में कौन से नहीं है वो आपको पता होना चाहिए, वो उत्तर नहीं होगी। क्या क्या होते हैं, उत्साह होता है, साहस होता है, निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय होता है, उत्साह साहस निश्चयात ना, दृढ़ निश्चय होता है, तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान पहले होता है, तत्व ज्ञान निश्चयात, और क्या होता है अपना, उत्साह साहस धैर्य, तत्व ज्ञान निश्चयात और जनसंग त्याग, ये छह चीजें होती है। तो अब इसमें निश्चय तो साधक में होता है, तो मतलब मेरा ये उत्तर नहीं होगा, और क्या होता है तत्व ज्ञान भी होता है ना, तो तत्व ज्ञान मेरा उत्तर नहीं होगा, नहीं पूछा इन्होंने, तो बी श्रद्धा नहीं कही गई वहां पर छह में, और स्मृति नहीं की गई, डी नहीं कहा गया, तो ये बी एंड डी मेरा उत्तर होगा, माने ऑप्शन नंबर जो है दो अपना राइट होगा। तो बात क्लियर हुई रमन डूडी मैम, रमन डूडी जी, सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं है, प्रश्न पूरा पढ़ने की आदत डालनी, अभी हम सीख रहे हैं हर चीज को, और सीख ये भी रहे हैं कि प्रश्न को पढ़ना कैसे होता है, ये भी सीख रहे हैं, केवल कंटेंट ओके अच्छे से पढ़ना। अब आपने पढ़ा था, आपको आता था क्वेश्चन, मतलब साधक तत्व तो बता दे, फिर भी गलत हुआ, मतलब कि सर हमें एक स्किल का नहीं पता कि प्रश्न कैसे पढ़ा जाता है ना, वो भी जानना जरूरी है। तो इसमें अपना उत्तर क्या हुआ, अपना श्रद्धा और स्मृति, मतलब ये दोनों नहीं है उसमें, तो बी एंड डी अपना ऑप्शन नंबर टू राइट होगा। थोड़ा सा तरीका, शालिनी मैम क्लियर है ना बात, ओके आगे नेक्स्ट। सोनी शर्मा जी, प्रियंका जाजरा मैम, मीनाक्षी लेखी जी, मीनाक्षी बोंडेकर जी, ममता राणा मैम, कक्षा में स्वागत है आपका। अच्छा मैं स्वागत है इतना दिन यूरोन में हूँ। आपकी पर्सनल आवाज सुनाई दे रही है, तो प्लीज अपना माइक ऑफ कर लें। मानसिक लिता मैम,
बिल्कुल डिफरेंट, करण सिंह जी बिल्कुल डिफरेंट, नेहा मैम बिल्कुल ही डिफरेंट, सोनी शर्मा जी डिफरेंट। ओके तो क्या था, किसी व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किन गुणों की आवश्यकता है जिनमें कोई एक वर्ष से अधिक योगाभ्यास करके सिद्ध बन जाता है। तो चार साधक थे जिनका कहते एक वर्ष अथवा उससे अधिक में योग सिद्ध हो जाता है। क्या क्या था, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी मिताहारी, ये बताया था आपको पहली दूसरी स्लाइड में था, अठ प्रदीपिका, मिताहारी, त्यागी, योग परायण है, योग परायण है। कहते ये चार साधक है जिनका एक वर्ष अथवा उससे कुछ समय में, अधिक समय में, कहते योगाभ्यास सिद्ध हो जाता है, बहुत जल्दी सिद्ध होता है चार साधकों का, इनके अर्थ भी पता था। तो ब्रह्मचारी कहाँ है, डी, मिताहारी ऑप्शन है सर सी, ब्रह्मचारी मिताहारी, त्यागी है, त्यागी भी है सर, और योग परायण है। अब देखो यहां पर सिंपल सा है, देखने में तो ऐसा ही लगेगा कि सर तपस्वी लोगों का तो योग सिद्ध होगा, तप करेगा उसका ही सिद्ध होगा, देखने में तो ऐसा लग रहा है, परंतु क्या हठ प्रदीपिका में ऐसी बात की गई थी, माने ये इनडायरेक्टली, अब नाम नहीं दिया बुक का, बट इनडायरेक्टली ऑप्शन देख करके हमें पता लग सकता है कि ये प्रश्न हठ प्रदीपिका का ही है, क्योंकि ये सारी बातें ना, ये चार ऑप्शन हठ प्रदीपिका में एक साथ किए गए थे। तो कभी कभी एग्जामिनर आपकी कॉमन सेंस भी जानेगा कि आप ही छानतेगे कि ये प्रश्न किस बुक से आया है और किस अर्थ में पूछा जा रहा है ना। हालांकि मैं पता तपस्वी सर योग सिद्ध होगा, जो तप करेगा तो होगा सिद्ध, क्यों नहीं होगा उसका, परंतु क्या बुक में इन चारों के साथ में नाम है उसका, नहीं है, तो इसका मतलब सर ये हमारा प्रश्न का उत्तर तपस्वी नहीं होगा यहाँ पर, है ना। ये चीज भी आपको आनी चाहिए प्रश्न देख करके, ये प्रश्न कहाँ से, किस टॉपिक से, किस यूनिट का, किस ग्रंथ से है ना, ऐसा भी आपको प्रश्न देखते ही पता लगना चाहिए, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। तो अब उत्तर क्या है, ए सी डी ई, ये उत्तर होना चाहिए, मतलब बी उत्तर नहीं होगा आपका कहीं भी, तो बी जहां पर भी है वो नहीं होगा, बी यानी है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बचा क्या सर ऑप्शन नंबर एक। ठीक है, तो जिन्होंने चार उत्तर दिया था, और ऐसे महान धुरंधर जो तीन तीन चार चार बार टॉपिक को रिवाइज कर चुके हैं, है ना, केवी में पढ़ाते हैं, पश्चिम बंगाल से है जो, है ना, और सुभारती, कौन सी पश्चिम बंगाल में यूनिवर्सिटी, कौन सी है योग की, उस यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, तो ऐसे विद्यार्थी प्लीज, है ना, विद्यार्थिनिया थोड़ा समझें इस चीज को, ऐसे नए दे उत्तर, है ना, चार उत्तर नहीं होगा। डॉक्टर करण सिंह जी थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है, रुचि मैम आप कृपया ध्यान रखें, चार ऑप्शन नहीं है इसका, देख लो कैसे है ना। पूनम सिंह जी सुधर जाओ, अभी बहुत टाइम हो गया गलती करते हुए आपको, आगे नेक्स्ट प्रश्न। तो ये प्रश्न मिक्सअप करके दिया है यहाँ पर, मिक्स करके दिया है ना, तो इसका थोड़ा सा ध्यान से उत्तर चूज करेंगे, तो इंक्लूड एक्सक्लूड वाली टेक्निक अपनानी है अपने को, डायरेक्ट उत्तर तो नहीं आएगा इसका, इंक्लूड एक्सक्लूड करना है। तो गैरेंट संहिता भी पढ़ी नहीं है, तो हठ प्रदीपिका के अनुसार तो कंफर्म है ना, आप कौन कौन सा होता है, हठ प्रदीपिका में सर वस्त्र धोती, क्या क्या होता है, कास, श्वास, प्लीह, कुष्ठम और 20 प्रकार के कफ रोग, ये होता है लाभ। तो कास पूछा है आपसे, होता है ना कास, तो सर मतलब मेरा ये है कि बी तो मेरा कंफर्म होगा, बी जहां पर नहीं है वो मेरा उत्तर नहीं हो सकता, तो बी कहाँ नहीं है, 3 नंबर में नहीं है, ये मेरा उत्तर नहीं होगा, बाकी जगह पर बी है तो बी, तो ये बाकी सारे ऑप्शन हो सकते हैं, एक मेरा कट हो गया सर। ठीक है, और क्या था, महामुद्रा महाक्लेश दूर करती है, मृत्यु भय को नाश करती है, पथ्य अपथ्य भी पथ्य बन जाता है, नीरस में भी रस आता है, और क्षय कुष्ठ, क्षय कुष्ठ, क्षय मतलब सर अपना जो क्षय कास, कास भी था उसमें ना, ठीक है, कास इन रोगों में कहते लाभकारी है, बिल्कुल है सर। ठीक है, मयूरासन में नहीं है ना, हाँ, तो महामुद्रा में कास था, तो डी भी मेरा होगा, तो डी जहां पर नहीं है वो मेरा उत्तर नहीं होगा, तो डी कहाँ नहीं है, ऑप्शन नंबर टू में नहीं है, ये मेरा उत्तर नहीं होगा। तो अब सर अपने पास बचे बाकी के, मयूरासन ये क्या थे, गुलम था, गुलम प्लीहोद्रा नाम, उदर रोगों का नाश था, ठीक है, और था हृति सकल रोगों, सभी रोगों का नाश करता है, मतलब आरोग्य लाता है, आरोग्य, कुपथ्य भी पथ्य बन जाता है, इतनी जठराग्नि प्रदीप्त करेगा जठराग्नि, और एक स्पेशल विष था कौन सा, कालकूट नामक विष का पाचन करता है, कालकूट नामक विष का पाचन करता है मयूरासन, ये था सर सी में, तो सी में कहीं पर भी कास नहीं है, मतलब मेरा सी ऑप्शन नहीं हुआ, तो अब सी जहां पर है वो मेरा उत्तर नहीं होगा, तो मतलब सर उत्तर मेरा निकल गया, एक तो उज्जाई हठ प्रदीपिका में नहीं है कास, परंतु गिरण संहिता में कास दूर होता है उज्जाई से, ठीक है, माने खांसी, और महामुद्रा बताई गई थी, तो ए बी डी जो है अपना राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर एक सभी का राइट हो गया सर, बहुत ही बढ़िया है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ में आज का सत्र हम संपन्न करते हैं, अभी भी हमारे हठ प्रदीपिका के बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, धीरे धीरे हम करते रहेंगे बीच बीच में।